अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है और खुश है। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से और ये मैं आसिम के लिए बना रही हूँ लंच। और ये मैं हलाल नगेट्स यहाँ से लेके आई थी और ये इजीली तो नहीं मिलते हैं, जो पुर्तगाली स्टोर है वहाँ से नहीं मिलते हैं, किसी देसी स्टोर से लाने पड़ते हैं। तो मैंने सोचा कि बच्चों के कल के लंच के लिए भी इकट्ठे ही बना देती हूँ। और आसिम अभी नाश्ता कर रहे थे तो मैं फिर ये सारे नगेट्स बना दिए थे, क्योंकि फिर वो सुबह बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ। तो अभी मैं आसिम का लंच बना रही थी और आसिम लंच में बहुत ही थोड़ी सी चीज़ लेके जाते हैं, कहते हैं फिर बहुत हैवी हो जाता है तो मुझे फिर अच्छा फील नहीं होता। तो फिर मैं बस थोड़ी सी चीज़ें दे देती हूँ, नट्स दे देती हूँ, साथ में कोई थोड़ा सा फ्रूट दे देती हूँ। और साथ में फिर आज उनको नगेट्स दे रही थी, सैंडविच वगैरह नहीं खाते हैं तो इसलिए मैं आज उनको नगेट्स दे रही थी। तो मैंने सोचा बच्चों के कल का लंच भी काम ख़त्म हो जाए तो मैं साथ ही इकट्ठे ही बना के फ्रिज में रख देती हूँ। साथ साथ में दूसरे काम भी चल रहे थे क्योंकि आज बहुत ही बिजी दिन होने वाला था। आसिम के साथ मैंने यशवा के कुछ पेपर्स करवाने हैं, हमने उसे ग्रीस जाना है तो वहाँ भी जाना था उस ऑफिस में, और फिर बच्चों को भी लेने जाना है, खाना भी बनाना है। तो आज का दिन बहुत बिजी है। और ये मैंने उसका पेस्ट बना के रखा था, धनिया पुदीना और हरी मिर्चें, और मैंने यशवा को बोला था इसमें डालो, उसने ज़्यादा ही दबा दबा के डाल दिया था। मैंने कब से फ्रीज़र से निकाल के रखा हुआ है, वो क्यूब्स निकल ही नहीं रहे हैं। तो अब मेरा किचन का काम तकरीबन ख़त्म हो गया और ये अभी भी नहीं निकले, तो मैं सोच रही थी उसको फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में रख देती हूँ, फिर थोड़ा सा ये नरम होता है तो फिर इसको निकालती हूँ। तो जब किचन का काम ख़त्म हो जाता तो एक दफ़ा मैं बाहर ज़रूर देखती हूँ, तो ये हमारे साथ वाली पहाड़ी पर आज भी काम हो रहा है कुछ। अब जी किचन का काम ख़त्म हो गया है, अब अंदर का काम स्टार्ट होगा। और इतना कपड़े फैला के जाते हैं सुबह के, जब फिर दोबारा सफाई शुरू करती हूँ मैं तो फिर मुसीबत पड़ जाती है, चक्कर लगा लगा के ना मुझे खुद ही चक्कर आने लग जाते हैं। तो ये जी मेरा लैपटॉप ख़राब था काफ़ी दिन से, 2-3 चार्जर लेके आया सिम तो फिर भी ठीक नहीं हुआ, आज ये एक लेके आए हैं। तो इसके साथ काफ़ी सारी पिंस थी कि कोई भी लग सकती है किसी भी लैपटॉप को एक ही चार्जर के साथ, लेकिन जी खैर इससे भी कुछ नहीं हुआ और ये चार्जर भी ज़ाया हुआ है, लैपटॉप नहीं चला मेरा, अब आसिम कुछ करेंगे इसका। तो जी इसके बाद फिर आसिम का फ़ोन आया था कि रेडी हो जाओ मैं लेने आ रहा हूँ। तो फिर हमने यशवा के कुछ पेपर्स थे वहाँ जाना था ऑफिस में, और फिर मैं और आसिम यहाँ आए। आसिम अभी गए हुए थे वो टोकन वगैरह लेने और मैं यहाँ चेयर पे बैठ के उनका वेट कर रही थी। और ये मेरे सामने ही ना एक शायद बांग्लादेश की लेडी थी, है मुस्लिम ही थी, उनके उपाय से पता चल रहा था, लेकिन खाना खा रही थी और खा के सारे रैप वगैरह जो भी थे वो सारे नीचे फेंक दिए थे। तो फिर कहते हैं जी हमारी कंट्रीज़ तो इतनी गंदी है और यूरोप इतना क्लीन होता है। ये देखिए इतने सारे लोग हैं, इतना रश है, लेकिन उनका फ़र्श देखिए कितना क्लीन है, क्योंकि सब ही सफाई का इतना ख्याल रखते हैं। लेकिन ये लेडी हैं कि इन्होंने खा पी के बनाना के छिलके और कोई केक वगैरह खा रही थी, उसके रैपर सारे नीचे ही फेंक दिए थे। तो फिर जो इर्द गिर्द के लोग थे वो उनको इतना घूर घूर के देख रहे थे और फिर अपने आप को बुरा फील होने लग जाता कि हम भी तो एशियन हैं, वो फिर समझते हैं कि सारे एशियन ही ऐसे हैं। तो जी आसिम फिर मुझे वहाँ से काम वगैरह हमने ख़त्म किया तो फिर मुझे बच्चों के स्कूल छोड़ आए थे, तो फिर मैं बच्चों को लेके घर आ रही थी और ज़ैद ने रास्ते में सारी अपनी स्टोरियाँ सुनानी होती हैं कि आज क्या क्या हुआ था, क्या क्या किया मैंने। तो आज ज़ैद कह रहा था मैं मामा बहुत थक गया हूँ। तो फिर मैं बच्चों को लेके घर आई थी और घर आते ही फिर इनको कुछ अच्छा खाना होता है और स्कूल में खेल खेल के इन्होंने वो हशर किया होता है, यशवा के तो बाल हमेशा ही ऐसे पटाखे फटे होते हैं। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन फिर भी उसको कोई दूसरी लड़कियों की तरह ख्याल नहीं होता कि भाई मैंने ये करना है, अपने बाल संवारूँ या मैं कुछ कर लूँ इनका, नहीं जी वैसे ही खेल खेल के छोटे बच्चों की तरह हालत बुरी की हुई होती है। तो फिर घर आके फिर मैंने इनको बना के दिए थे, शवारमा बना के दिए थे, ये पीटा ब्रेड नहीं थी, दूसरी तुर्टिला रैप थी, तो फिर मैंने घर पे यही थी तो मैंने सोचा इसका ही बना देती हूँ इनको। और फिर फरमाइशें लादा होती हैं, यशवा को ग्रीन चटनी वाला चाहिए था, ज़ैद को केचप और मेयोनीज वाला चाहिए था, तो फिर इनको मैंने बना के दिए थे। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें ये वेजेस खा लेते हैं
बाकी तो बिल्कुल भी वेजिस नहीं खाते, हालांकि बहुत ज़रूरी होती है बच्चों के लिए। खाने में तो बना लें कुछ भी, कोई भी आप वेजिस डाल लें, चिकन में डाल लें, मीट तो खैर खाते नहीं है, बीफ भी नहीं खाते, तो वो फिर बोनलेस मैं बनाती हूँ और इनको धोखे से चिकन कह के तो फिर खिला देती हूँ, वो खा लेते हैं या कोफ्ते खा लेते हैं, लेकिन वैसे तो बिल्कुल नहीं खाते। ये शॉप बिल्कुल भी चिकन नहीं खाती है, कोई भी मतलब मीट बीफ कुछ भी नहीं खाती। और कोफ्ते बना लेती हूँ मैं कभी कभी मटन के, तो फिर वो खा लेते हैं, कबाब भी खा लेते हैं, और कोई चीज़ नहीं बच्चों को गुजरती। और ये इनकी फेवरेट चीज़ें होती हैं, इस तरह की आप इनको शवरमा बना दें, पिज़्ज़ा बना दें, तो वो आसानी से खा लेते हैं। और यशवा को ये कॉर्न्स भी बहुत पसंद है, तो इसलिए उसके जो था ये पराठा रोल जो भी आप कह रहे हैं इसमें मैंने इसको डाल दिए थे, जैद को ये पसंद नहीं है तो इसलिए वो नहीं खाता। यशवा तो वैसे भी यहाँ से बॉयल्ड ही मिलते हैं, तो वो वैसे भी उसके अंदर चाट मसाला वगैरह डाल के तो वो खाती रहती है, लेकिन ये चटनी डालने से ना ये जो ब्रेड थी ये थोड़ी सी टूट रही थी, तो इसलिए फिर मैंने बाकी में नहीं डाली, सिर्फ ये यशवा के जो शवरमा था बस इसमें ही मैंने डाली। और इतने कलरफुल से ये लग रहे थे, मेरा दिल कर रहा था मैं भी फटाफट से बने और खा लूँ, लेकिन ऐसा होता है कि जब सब खा लेंगे तो मामा की बारी फिर ही आती है, और इंसान को होता है कि सब खाना सबको दे दें और आखिर में हम आराम सुकून से बैठ के खाएं। और वैसे ही बस नॉर्मल जैसे सब बनाते हैं वही रेसिपी है मेरी भी। पहले मैंने बंद गोभी डाली थी, फिर अंदर खीरा डाल लिया था, टमाटर डाला, थोड़ा से प्याज डाले, और फिर थोड़ा सा चिकन मैंने पहले ही ये बना के रखा होता है, नमक मिर्च और थोड़ा सा लेमन डाल के, तो मैं इसको मैरिनेट करके रखा होता है, तो कभी कभी मैं इसको फ्राई करके रख देती हूँ, कभी कभी जस्ट मैरिनेट करके रख देती हूँ, फिर इस तरह कभी भी अचानक से कोई चीज़ बनानी हो तो वो बड़ी इजी बन जाती है। और आसिम जब भी चिकन लेके आते हैं तो फिर मैं वो सारी चीज़ों के लिए लैदा लैदा करके रख देती हूँ, तो जो इस तरह की चीज़ें होती हैं बच्चों की बनाने वाली, तो उसके लिए मैं बोनलेस चिकन या तो मैरिनेट करके रख देती हूँ, तो या फिर उसको मैरिनेट करके तो उसको मैं फ्राई करके या पका के फिर रख देती हूँ, क्योंकि इस तरह स्कूल से अब आई थी मैं और आते ही ये चीज़ें बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है सारा कुछ करना, तो इस तरह अगर आपने चिकन वगैरह रेडी करके रखा हो तो वो बड़ा इजी हो जाता है। फिर मैंने सोचा आसिम के लिए भी बना के रख देती हूँ, अभी आने वाले हैं तो फिर वो भी खा लेंगे, बार बार बनाना, स्कूल से आते ही इनको ले के आती हूँ जब तो 5-6 बज जाते हैं, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के इनको सपारा पढ़ाते ही फिर आसिम के आने का टाइम हो जाता है, तो इसलिए फिर इनके साथ मैं कुछ चीज़ बनाती हूँ, फिर आसिम की भी तभी बना देती हूँ। वैसे तो आसिम आते हैं बस फिर खाना खाते हैं, उनका एक्स्ट्रा चीज़ खाने का दिल नहीं करता, लेकिन कभी कभार जब बच्चों के लिए ऐसे बनाती हूँ तो फिर उनके लिए भी रख देती हूँ, उनके बगैर तो फिर कोई चीज़ नहीं खाई जाती ना, मैं फिर उनके साथ ही खा लूँगी तो बच्चे अभी खाएंगे। और ये बहुत ही मज़े के बने थे, और बच्चों की ऐसी चीज़ें फेवरेट होती हैं, खाना उनका नहीं दिल करता खाने का, तो फिर मैं ऐसी चीज़ें बना देती हूँ कि कम अज़ कम वो खाएँ तो सही। यशवा को तो बिल्कुल भी रोटी खाने का दिल नहीं करता, तो फिर इनको ये मैंने बना के दिए थे, और साथ में फिर मैंने डिनर के लिए आज बनाना था कीमा आलू, तो वो भी बड़ी इजी सी क्विक रेसिपी होती है, जब जिस दिन ज़्यादा थक जाती हूँ तो उस दिन मैं ये इस तरह की कोई चीज़ बना लेती हूँ जो इजीली फटाफट से बन जाए। कीमे में मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर और हरी मिर्चें और साथ में सारे स्पाइसेस डाल के उसको 5 मिनट मैंने प्रेशर कुकर लगवा लिया था, और फिर उसको खोल के मैंने घी डाल के अच्छी तरह से उसको भूना था, और साथ में मैंने आलू डाल दिए, और फिर इसको 3-4 मिनट थोड़ा सा पानी डाल के बस इसको पकाया था, और मज़ेदार सा खाना रेडी हो गया था। और यही थी मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।